तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूपी नर्स स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी नर्स में एक वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप भी एक नौकरी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या कैटेगरी दिया गया दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कब तक ऑनलाइन होगा, कितना सैलरी मिलेगा, इन्हीं सब बातों के बारे में हम पूरी आपको डिटेल जानकारी देते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुल पदों की संख्या 600 है। देख सकते हैं 600 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है दोस्तों। देख सकते हैं पदों का नाम नर्सिंग अधिकारी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, यहाँ पे बीएससी जीएनएम होना चाहिए, नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है। और भी देखिए उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। आवेदन का तरीका देख सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन होगा दोस्तों, आप इसका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और देखते हैं आवेदन करने का उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आवेदन कर सकता है, अदर कंट्री के इसमें आवेदन नहीं कर सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयु सीमा रखी गई है, जो एज लिमिट ये आवेदन करने के लिए, जो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं तभी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 44,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में सैलरी आपको रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है पूरी डिटेल में। और देखिए इसका चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखित परीक्षा होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी दिया गया है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नकारात्मक अंक होगा यानी कि नेगेटिव मार्क भी होगा एग्जाम में। आप देख सकते हैं अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों सेटअप भाषा में परीक्षा ली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है, इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे तो आप इसे पूरी पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम पूरी जानकारी देंगे इसमें एक एक करके तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी देखिए इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 हो गई दोस्तों, जो 600 नंबर की होगी और समय 3 घंटा रहेगी दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विषय नर्सिंग विषय दिया गया है। यहाँ पे देखिए समान जीके जीएस यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है। और भी देखिए गणित जनरल ये सब के टेस्ट होगा दोस्तों। आप मैथमेटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और देखिए इसका आवेदन किस तरह से करना है दोस्तों, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चाहे तो आप इसे पढ़कर अपने मोबाइल से आवेदन या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसे पढ़ लेंगे एक बार पूरी जानकारी ध्यान से, तो आप इसे आप अपने से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं पूरी जानकारी दिया गया है आवेदन करने के। और भी देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया गया है। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है कि इसमें कितना फीस लगेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपया फी रखी गई दोस्तों, और वहीं एससी एसटी के लिए देखिए यहाँ पे 1416 रुपया फी रखी गई दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा, इसीलिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के सहारे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और भी देखिए इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण डेट दिया गया है उसी के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं इसका आवेदन प्रकाशन होने का तिथि जो ऑनलाइन अप्लाई होगा दोस्तों वो 23 मई 2023 से होगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं। और वहीं देखिए अंतिम जो डेट है दोस्तों वो 8 जून 2023 तक रहेगा। और यहाँ देखिए भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है वो भी 8 जून 2023 तक रहेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी देखिए यहाँ पे बताया गया है, आगे जानकारी दी गई दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं दोस्तों, आपका फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आवेदन करने से पहले एक बार इसे जरूर पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि इसमें और भी जानकारी पूरी जानकारी दिया गया है दोस्तों, जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए। तो आप एक बार आवेदन करने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि हम इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, और भी यहां पे जानकारी दिया गया है। अगर अब आपको फॉर्म भरना है तो यहां पे आवेदन फॉर्म पर क्लिक करके आप यहाँ से इसका फॉर्म भी भर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है, आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम सभी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपका भी सपना है नौकरी लेने को तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जॉब की जानकारी के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।